हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे जानकारी दूंगा। ये जो मेरे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये एबीवी कंपनी की बनी हुई है। मैं इस वीडियो में आपको इसकी जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उसके बारे जानकारी दूंगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशन प्लेट है वो दिखाता हूँ। ये इसकी जो स्पेसिफिकेशन प्लेट है, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है डीपली, आज इस वीडियो में आपको उसके बारे जानकारी दूंगा। ये जैसे कि आप इसके जो लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे देख रहे हैं, जैसे कि सी ई का मीनिंग है कन्फर्म टू यूरोपियन स्टैंडर्ड, और जो आगे लिखा हुआ आई ई थ्री जो इसकी जो एफिशिएंसी क्लास है। तो मैं पहले आपको जो एफिशिएंसी क्लासेस कितने टाइप के है उसके बारे जानकारी देता हूँ। ये देखिए, एफिशिएंसी क्लासेस के बारे से पहले मैं आपको डीपली बताता हूँ। ये जो एफिशिएंसी क्लासेस है, इसके लिए एक कमीशन बना हुआ है जिसको कि आईईसी बोलते हैं। आईईसी का मीनिंग है द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन है। ये इंट्रोड्यूस करता स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी मोटर्स। मतलब आईईसी का कौन सा स्टैंडर्ड का नंबर है जो फॉलो करते हैं, तो ये देखिए आईईसी जो 60034-1, ये स्टैंडर्ड का नंबर है जिसके अंडर जो है जो एफिशिएंसी क्लासेस है इंडक्शन मोटर के लिए उनको डिफाइन किया जाता है। आईई का जो मीनिंग है इंटरनेशनल एफिशिएंसी है। ये तो इंटरनेशनल एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टू जो एफिशिएंसी की क्लासेस है मोटर्स के लिए वो कौन कौन सी है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि कितने क्लासेस है इसकी। इसकी जो 4 नंबर ऑफ क्लासेस है जो एफिशिएंसी की जो मोटर्स के लिए है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये IE1 है। IE1 जो एफिशिएंसी ये फर्स्ट क्लास है, ये IE2 सेकंड है, IE3 जो थर्ड है, IE4 जो फोर्थ है। IE1 जो है एक स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है, इसके अंडर जो मोटरें बनती है उसको IE1 का नाम दिया जाता है। IE2 जो है हाई एफिशिएंसी जो क्लास है, IE3 जो प्रीमियम एफिशिएंसी क्लास है, ये जो मोटर है IE3 की है। IE4 जो है सुपर प्रीमियम एफिशिएंसी क्लास है। अभी नेम प्लेट के ऊपर देखते हैं, लिखा हुआ IE3, IE3 का मतलब प्रीमियम एफिशिएंसी क्लास है। तो नेम प्लेट के ऊपर एक बार चलते हैं, देखिए जी इसकी जो स्पेसिफिकेशन प्लेट है इसके ऊपर IE3 है। IE3 का मतलब ये प्रीमियम एफिशिएंसी क्लास है। ये एफिशिएंसी क्लास की ये थ्री फेज AC मोटर है। तो इसके आगे ये लिखा हुआ है, ये देखिए इसको जो बोर्ड करके आपको दिखाता हूँ। ये इसका जो है स्पेसिफिकेशन की नेम प्लेट के ऊपर ये लिखा हुआ है जो है ये 160 जो इसका जो फ्रेम नंबर है, और ये IM B3/IM1001 है। ये इसका क्या मीनिंग है इसके बारे में आपको पहले एक परफॉर्मिंग के ऊपर दिखाता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। पहले IM का मीनिंग आपको बताता हूँ। IM का जो मीनिंग है इंटरनेशनल माउंटिंग अरेंजमेंट्स है। तो इंटरनेशनल माउंटिंग अरेंजमेंट्स उसके दो कोड है, ये देखिए कोड 1 और कोड 2। तो एक बार नेम प्लेट के ऊपर दिखाता हूँ, ये देखिए IM B3 जो कोड 1 है, IM1001 जो कोड 2 है। इनका क्या मीनिंग है एक बार बताता हूँ। ये देखिए जो कोड 1 है IM B3 जो इंटरनेशनल माउंटिंग अरेंजमेंट का जो टाइप है B3 है। B3 का मतलब ये जो मोटर है वह ये फुट माउंटेड है। जो सेकंड कोड है इसका जो मीनिंग है इंटरनेशनल माउंटिंग अरेंजमेंट 1001, इस कंप्लीट का जो मीनिंग है इसका मतलब ये फुट मोटर है। जैसे कि आप इसकी जो इमेज भी देख रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन है उसके लिए नेम प्लेट के ऊपर चलते हैं। ये इसका जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है जो मोटर का, AMB एम्बियंट 50°C इसका जो टेम्परेचर है उसके बारे भी आपको डीपली बताता हूँ। AMB का मीनिंग है एम्बियंट टेम्परेचर जो कि 50°C है। एम्बियंट टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में, ये देखिए यदि 30°C है तो जो परमिटेड आउटपुट होगी, जो परसेंटेज ऑफ रेटेड आउटपुट है वो ज़्यादा होगी। यदि टेम्परेचर कम होगा तो परमिटेड आउटपुट जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। ये हमारी मोटर जो 50°C के ऊपर 93% जो है रेटेड आउटपुट देगी। जैसे जैसे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा,
तो हमारी जो मोटर है उसकी जो आउटपुट है वो कम होती जाएगी। ये देखिए जैसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो जो परमिटेड आउटपुट होगी वो 79% होगी रेटेड आउटपुट की, और जो 80% टेम्परेचर होगा तो हमारे को जो आउटपुट है वो 70% मिलेगी जो रेटेड आउटपुट की। जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में नेम प्लेट के ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये इंसुलेशन क्लास है एफ, ये जो इंसुलेशन क्लास है इस वाइंडिंग के अंदर जो पेपर यूज़ किया जाता है उसकी क्लास है। तो इस इंसुलेशन क्लास एफ का जो एम्बिएंट टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसके आगे जो लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन उसको एक बार देखते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है IP55 ये साइड पे जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है, आपको पहले मैं समझाता हूँ क्या होता है। ये देखिए जी आई का मतलब इनग्रेस, पी का मतलब प्रोटेक्शन, ये आईपी कोड जो है 55 है। जैसे कि आई मतलब इनग्रेस, पी मतलब प्रोटेक्शन, जो फर्स्ट डिजिट 5 है इसका मीनिंग क्या है ये देखिए एक बार। ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका जो मीनिंग है सॉलिड्स, हमारे को जो प्रोटेक्शन मिलती है प्रोटेक्टेड फ्रॉम लिमिटेड डस्ट इनग्रेस जो है फर्स्ट डिजिट का मीनिंग। जो सेकंड डिजिट है इसका जो सेकंड डिजिट का मतलब लिक्विड्स, हमारे को जो प्रोटेक्शन मिलती है प्रोटेक्टेड फ्रॉम लो प्रेशर वाटर जैकेट्स फ्रॉम एनी डायरेक्शन, जो सेकंड डिजिट है उसका मतलब हमारे को लो प्रेशर जो वाटर जैकेट्स है उससे जो प्रोटेक्शन होती है। तो ये इसका जो आईपी का जो आईपी 55 का ये मीनिंग था। तो अभी स्पेसिफिकेशन के ऊपर देखते हैं नेम प्लेट के ऊपर नेक्स्ट क्या है। ये बी, बी का मतलब वोल्टेज है, इसकी जो रेटेड वोल्टेज है 415 यदि डेल्टा कनेक्शन है, डी डी का मतलब डेल्टा कनेक्शन है। इसमें जो टॉरेंस दी हुई है प्लस माइनस 10% की है। एच जेड का मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज़ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसमें जो टॉरेंस है प्लस माइनस 5% की है, और रेवोल्यूशन पर मिनट इसकी जो है 1470। इसकी जो कैपेसिटी है जो रेटेड कैपेसिटी किलोवाट में वो 15 किलोवाट है और HP में वो 20 HP है। इसका जो रेटेड आउटपुट करंट है एक बार मैं आपको देखिए जो बोल्ड करके दिखाता हूँ, इसका जो रेटेड करंट है देखिए 28 point something है जो कि इसका जो रेटेड जो फुल लोड करंट है। तो इसका जो पावर फैक्टर है 0.80 और जो एफिशिएंसी इसकी जो 92.1% है, और जो ड्यूटी जो इसकी है वो S1 है। ये जो ड्यूटी S1 लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये देखिए ये ड्यूटी S1 का मतलब ये कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी मोटर है, इसको कंटिन्यूसली लोड के ऊपर रन करे तो इस मोटर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्यूटी S1 का यही मीनिंग है। ये जो मोटर की इमेज है ये देखिए इसकी जो शाफ्ट का साइज है इसको ड्राइव एंड बोलते हैं, और जो कूलिंग फैन साइड है जी इसको जो नॉन ड्राइव एंड बोलते हैं। मैं आपको जो ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड दोनों के जो बैरिंग लिखे होते हैं उसके बारे पहले आपको स्पेसिफिकेशन प्लेट के ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए जी मोटर की इमेज बना हुआ है जी, इसका जो ड्राइव एंड है ड्राइव एंड की साइड कौन सा बैरिंग लगा हुआ है 6209-2Z-C3 है, और नॉन ड्राइव एंड साइड कौन सा बैरिंग यूज़ किया हुआ है 6209-2Z-C3 है। तो इस मोटर का जो मैक्सिमम वेट है वो 159 kg है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया ये जो मोटर है ABB कंपनी की बनी हुई है, और ये कौन से स्टैंडर्ड के अंडर बनी हुई है ये देखिए IEC 60034-1 जो स्टैंडर्ड है उसके अंडर ये एफिशिएंसी क्लास की जो मोटर हम बनी हुई है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके राइट।